विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान के दौरान यहां चैनपुर के कोसियारा गांव में भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प की सूचना मिली है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी ने भाजपा प्रत्याशी आलोक चौरसिया और उनके समर्थकों पर बूथ लौटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, जिसमें पहले चरण में राज्य की 13 विधानसभा सीटों के लिए 37,83,055 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 189 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जी हाँ, इस चरण में पहली बार 1,05,822 नए मतदाता अपने मताधिकार के इस्तेमाल करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है, जो दोपहर 3 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मतदान कर्मी सभी केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। नक्सल प्रभावित इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोटिंग हो रही है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 189 प्रत्याशी मैदान में है। यह इलाका नक्सल प्रभावित है और पिछले चुनाव में आधी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।